हेलो IITS पेरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 7 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो fx क्या है यहाँ पर अपना 2x-1। अगर मॉड ऑफ fx लेस देन a है, इसका मतलब fx कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस a से लेकर a के बीच में। a कितना है यहाँ पर 15, तो fx हो गया माइनस ए मतलब माइनस 15 से लेकर ए तक मतलब 15। अब ये 1 इस साइड गया तो 15 प्लस 1 कितना होता है आजकल 16, माइनस 15 प्लस 1 होता है माइनस 14, 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स यहाँ से कितना आ गया माइनस 7 से लेकर 8 ओपन इंटरवल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉड ऑफ एफ एक्स अगर बी से ए के बीच में है, सो व्हाट डज दिस इंप्लाइज कि एफ एक्स इज बिटवीन बी टू ए और एफ एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू माइनस बी। अब यहां से इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। एक्स माइनस वन को मैंने ले लिया 1 से 3 के बीच में, 3 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो यहां से एक्स कितना आ गया माइनस 1 इस साइड गया तो ये बन गया 2 पर ओपन ब्रैकेट, माइनस 1 इस साइड गया तो ये बन गया 4 पे क्लोज ब्रैकेट। और यहां से एक्स माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस 3 से लेकर माइनस 1 तक के, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आ गया क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस 2 0 पर आ गया ओपन ब्रैकेट, और फाइनली इन दोनों का यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर राइट हैंड साइड पर जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल के केस में हम क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। तो पहला केस क्या होगा, जब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, या ऐसा बोल लो कि नॉन नेगेटिव है। तो यहां से आ गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब जब एक्स प्लस 1 नॉन नेगेटिव है तो ये मॉडुलस साइन ओपन होगा विद अ प्लस साइन, तो यहां से आ गया ये लेस देन इक्वल टू 5x, तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। x इस साइड आया 5x माइनस x दैट विल बिकम 4x, और फिर 4 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे फाइनली इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि दिस आंसर इज फॉलोड बाय दिस कंडीशन। तो माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, इसका आंसर क्या आएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। फिर क्या होगा केस टू में, हम क्या करेंगे मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, मतलब x आ गया अपना लेस देन माइनस 1। अब जब x से लेस देन माइनस 1 है, मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव है, सो दिस एक्सप्रेशन दिस मॉड विल बी रिमूव्ड विद अ माइनस साइन, तो यहां से आ गया माइनस x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5x, और यहां से फिर हमने x के लिए सॉल्व किया तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/6। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो एक्स लेस देन माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/6, माइनस 1 से छोटा और माइनस 1/6 से बड़ा या इक्वल, क्या इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा,
इस एक्सप्रेशन का जो केस वन का रिजल्ट आया है और जो केस टू का रिजल्ट आया है, इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा यूनियन। अब 1/4 से बड़ा या इक्वल और नल सेट का जो यूनियन होगा वो खुद सिर्फ आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी आर फाइनल आंसर। यहां पर कुछ और होता तो उसका यूनियन ले लेते, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही सिमिलर सिचुएशन, केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो केस वन क्या हो जाएगा, 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 है, सो दिस मॉडुलस विल ओपन विद अ प्लस साइन। तो यहां से आ गया अपने पास 3x-5 लेस देन इक्वल टू 2x+1। यहां से रिजल्टेंट क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 6। मुझे क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर अपने पास रिजल्ट आ गया x इज बिटवीन क्लोज्ड ब्रैकेट 5/3 से लेकर 6। लेट्स से मैंने इसको 1 बोल दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में हमारा पास मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, मतलब x लेस देन 5/3 आ गया। इस सूरत में जो मॉड के मॉड है दैट विल बी ओपन्ड विद अ नेगेटिव साइन। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। ये -3x इस साइड गया तो 2x+3x 5x बन गया, 1 इस साइड आया तो 4 हो गया। तो 4 less than equal to 5x हो गया, मतलब x greater than equal to 4/5 हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये प्राइमरी कंडीशन का और ये जो उसका आउटपुट आया है, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो x greater than equal to 4/5 एंड x less than 5/3, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, x belongs to closed bracket 4/5 से लेकर 5/3 पर ओपन ब्रैकेट। लेट्स से इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। ये केस वन का आउटपुट है, ये केस टू का आउटपुट है। फाइनली वन और टू का हमें क्या लेना है, यूनियन। तो किन दो चीजों का यूनियन लेना है, 5/3 से लेकर 6 तक के दोनों पे, और इसका यूनियन लेना है किसके साथ हमें, 4/5 से लेकर 5/3 तक के। तो फाइनली इन दोनों का यूनियन कितना आ जाएगा, 4/5 से लेकर 6 और दोनों पर क्लोज्ड ब्रैकेट। ये हो गया हमारा आंसर एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे। आई थिंक कि अभी तक के डायनामिक्स तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। इन दोनों का लेंगे अपन इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन खुद कितना आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन। जो चीज भाई 2 से बड़ी है वो तो ऑब्वियसली -1 से भी बड़ी है। दूसरा केस हमारे पास क्या आ गया, एक्स लेस देन -1, तो दिस मॉड विल ओपन विद अ माइनस साइन and that is greater than -2 is said, yeah, to ye ban gaya -6 greater than
मतलब एक्स कितना हो गया लेस देन माइनस टू। अब यहां से हमारे पास आ रहा है एक्स इज लेस देन माइनस वन और यहां से हमारे पास आ रहा है एक्स इज लेस देन माइनस टू। मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? यही एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि जो चीज माइनस टू से छोटी है वो तो ऑब्वियसली माइनस वन से भी छोटी होगी। फाइनली वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन विच आर इन द बॉक्सेस। तो आंसर लिख लेता हूं मैं यहां पर। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू पे भी ओपन ब्रैकेट यूनियन टू से इंफिनिटी और टू पे भी ओपन ब्रैकेट, एंड दैट्स आर आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे। केस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो दिस विल ओपन विथ अ प्लस साइन। एक्स माइनस फोर बन गया ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। ये एक्सप्रेशन उस साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन लेस देन जीरो। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक्स माइनस फोर का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और क्या परफेक्ट स्क्वायर लेस देन जीरो हो सकता है? तो यहां से हमारे पास एक्स की कोई भी सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू नहीं आएगी। ये आ गया नल सेट। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है केस टू पर। जो केस टू का आंसर होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो केस टू हमारे पास क्या रहेगा? एक्स इज लेस देन फोर। अगर एक्स लेस देन फोर है तो मॉड विल ओपन विथ अ माइनस साइन। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट के फैक्टराइज फैक्टर करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना वेवी कर्व मेथड से तुम लोगों को डेफिनेटली बहुत ढंग से आता है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि केस वन का जो आउटपुट आया था वो नल सेट था, तो जो केस टू का आंसर आया है दैट विल बी आर फाइनल आंसर। क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉड हो न हो। तो यहां से ये बन गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये तो एक्स माइनस वन का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है रियल नंबर के लिए। तो यहां से आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, नो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोनों तरफ मॉड, दोनों तरफ मॉड के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि वी कैन कन्वीनियंटली डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो हम पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको स्क्वायरिंग करते मत बैठना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में अननेसेसरी परेशान हो जाओगे। करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूं। सॉरी, यहां पर एक्स आएगा तो इस एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया।
ये बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेता हूं। पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं। फिर ए माइनस बी लिख लेते हैं। माइनस माइनस बन गया प्लस और ये बन गया माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई। चलिए फिर आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है आजकल? टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस चार। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया। एक्स प्लस सेवन एक्स बोले तो एट एक्स माइनस चार ग्रेटर देन शून्य। यहाँ से टू को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से फोर को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। तो ये कितना हो गया भाई अपने पास? एट इंटू अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इजिली फैक्टराइजेबल। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के फैक्टर्स कितने हो गए? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू यहाँ पर था टू एक्स माइनस वन, ये ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन लिख लिया। बाहर जो कांस्टेंट था वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से वैसे भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जाने दो उसको बाहर में। अब क्या करेंगे पता ही है तुम लोगों को, फिर भी बता देता हूँ मैं। अभी तक तो वेवी कप में एकदम चैंपियन हो गए होगे, चैंपियन ऑफ कैपुआ। और ये बन गई वेव। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, तो वो वन बाय टू से लेकर वन के बीच में यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक। ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें ये देखना है कि क्या ये मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी टाइप की सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं बन रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे अपने पास टू एक्स स्क्वायर नहीं है। तो कुछ जुगाड़ करते हैं, आगे पीछे करते हैं। मॉड ऑफ एफ एक्स इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स, अगर वो अरेंजमेंट करने से भी अपना काम हो जाता तो बढ़िया ही है। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने दूं तो क्या अब दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इनटू सेवन एक्स प्लस थ्री? यस इट डज। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइव एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया? सेवन एक्स। सिक्स माइनस थ्री हो गया थ्री के इक्वल। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी कब होल्ड करता है? जब ए इंटू बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब यहां पर अपना ए कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और बी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। इसको अपन ने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से मैं माइनस साइन निकालूंगा, माइनस साइन की वजह से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। और ये बन गया लेस देन इक्वल टू जीरो। बोथ दी एक्सप्रेशंस आर इजीली फैक्टराइजेबल। तो क्या फैक्टर्स हो रहे हैं इसके? एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन।
इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। वेवी कर्व की लाइन बना दी, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस थ्री माइनस वन वन सिक्स, वेव चली और अपने को चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जीरो अपने को किस इंटरवल में मिल रहा है, माइनस थ्री से माइनस वन बोथ इंक्लूडेड, वन से सिक्स बोथ इंक्लूडेड, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मॉड ए प्लस मॉड बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। मॉड ए प्लस मॉड बी कभी भी मॉड ऑफ ए प्लस बी से कम तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन वाली सिचुएशन है। अब इक्वल टू कब होल्ड करता था, इक्वल टू होल्ड करता था जब ए इंटू बी वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्लियरली जब इक्वल टू होल्ड नहीं करता है तो कंडीशन क्या होगी, इसके विपरीत होगी। तो कंडीशन क्या हुई, ए इंटू बी इज लेस देन जीरो। बस अब ये देखना है कि क्या ये मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी टाइप की सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू दैट विल बिकम टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट। टू कॉमन निकालो तो टू टाइम्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर। तो ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो इसकी वजह से आया है। ए कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, बी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि ये कैसे कंक्लूड किया कि ए इंटू बी लेस देन जीरो होगा। मॉड ए प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। फिर से समझा रहा हूं, फिर नीचे लिखा था यहां पर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ते वक्त कि इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही है, नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नहीं है। अब अगर ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो क्या बचा, कोई भी क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी या तो लेस देन जीरो होगी, और कोई तो तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रियल नंबर्स। तो यहां पर ये सिनेरियो बन गया, लेस देन तो कभी वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो वो टेंशन तो खत्म ही हो गया अपने पास। तो ऑल वी हैव टू डू इज ए इंटू बी इज लेस देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। बोथ द एक्सप्रेशंस आर इजीली फैक्टराइजेबल। हो सकता है कि अभी तक किसी को यह डाउट हो रहा होगा कि अगर फैक्टराइजेबल नहीं हुए तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के टाइम पे बताऊंगा मैं। और वो जो मीम होता है कि सर ने बोला था कि इलेवेंथ में कि ट्वेल्थ में बताऊंगा, और फिर ट्वेल्थ में बोला था कि ये बात तुम लोग ऑलरेडी इलेवेंथ में पढ़ चुके हो, तो ये वैसा यहाँ पर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे बताऊंगा तो डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस टू माइनस वन वन सिक्स। ये वेव थोड़ी गंदी सी बन गई, बट ठीक है, अपने को वेव बनाने के पैसे थोड़े मिल रहा। तो आंसर आ गया यहाँ से माइनस टू से लेकर माइनस वन यूनियन वन से सिक्स, एंड दैट्स इजीली फिक्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसको अगर मैंने ए लिया, इसको बी लिया, तो टू एक्स आएगा, यहाँ पे तो फोर एक्स है। इसको माइनस कर दिया या इसको माइनस कर दिया, एक को प्लस लिया एक को माइनस लिया, तो x हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो जो हमने थ्योरी के वक्त पढ़ा था या जो भी अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें
either the scenario was mod a plus mod b greater than equal to mod of a plus b नहीं भी हुआ तो माइनस a प्लस b कर दिया, या a माइनस b कर दिया, या माइनस a माइनस b करके काम चल गया और कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बन रहा था। यहां पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी के वक्त आप लोगों को नहीं बताया, बिकॉज आई वॉन्टेड कि कुछ चीजें ऐसी रहे जो आप लोग अपने आप से ट्राई करें। सब चीजें मैं बता दूंगा तो वो जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, जो नए प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज लेने का जो टेंडेंसी है वो तो खत्म हो जाएगी। तो जेई में तो जेई तो फेमस ही है इस चीज के लिए कि उसमें कई बार काफी सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में। मेंस में हार्डली इक्के दुक्के आ जाते हैं, बट मेंस भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल हलवा छाप है। तो ऐसी सिचुएशंस आपको हमेशा मिलेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डीपीपी को इग्नोर मत करो। जो भी डिस्क्रिप्शन में डीपीपी रहेगी दे आर गुड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली एज सेम एज वॉट एवर इज टॉट इन द क्लास, बट कभी ना कभी मैं कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट दूंगा। समझ रहे हैं उसके पीछे आप मोटिव समझ रहे हैं? ये मत बोलना कि अरे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आइदर वाया थ्योरी और वाया डीपीपी, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी जो पूरा कंटेंट कवर करता है वो मैं सब बताने वाला हूं। उन सबको मिक्स कर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आई एम डैम श्योर कि वो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा। थोड़ा टफ भी हो सकता है, बट यस चीजें देखी भी होगी, कोई भी चीज ऐसी अनसीन कंप्लीटली नहीं होगी, बट उन सबको मिक्स करना ये आप लोगों को आना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस टाइप की चीज तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ, अगर मॉड के केस में कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या है हमारे पास, यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग वेपन है। तो अब देखिए यहाँ पर तीन मॉड्यूलस हैं, तीन मॉड्यूलस, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे छोटा हो गया जीरो, फिर उसके बाद ये वाला क्रिटिकल पॉइंट 5/4, और फिर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट 3। अब इन तीन क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई? चार पार्ट्स में। तो चार केसेस हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि इसकी जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को स्ट्रांग होना है, क्योंकि अब देख लीजिए चार केसेस बनाने पड़ रहे हैं और ये भी अभी लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता तो और ज्यादा केसेस बन जाते और ज्यादा डिफिकल्ट इंटरवल्स होते। तो पहला केस क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ऑल द मॉड्स विल ओपन विथ प्लस साइन x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x-5। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो कितना आ गया, x इक्वल टू 1। हमने कंडीशन क्या लिखी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आया क्या है x इक्वल टू 1। तो क्या इस आंसर को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, तो ये गया भाड़ में। दूसरा केस क्या बनाएंगे भाई हम लोग, केसेस तो तुम लोगों को बनाते आते ही हैं, डिफाइन कैसे करते हैं वो तो पता ही है। तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 लेस देन 3। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 है तो कौन कौन से मॉड्यूलस प्लस साइन के साथ ओपन होंगे, ये वाला और ये वाला। ये वाला जो मॉड्यूलस है इट विल ओपन विथ अ माइनस साइन, तो ये प्लस साइन के साथ ओपन किया ये आ गया x, ये ओपन किया विथ अ माइनस साइन तो ये आ गया माइनस x प्लस 3। ये वाला मॉड ओपन होगा विथ अ प्लस साइन, तो यहां से कितना आ जाएगा 8, और यहां से आ गया x इक्वल टू 2 के इक्वल। हमारी कंडीशन क्या थी, 5/4 मतलब 1.25 से लेके 3 तक के।
और आया कितना है, x इक्वल टू टू। क्या टू इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है? ऑब्वियसली आता है, कैसा सवाल पूछते हो सर आप। तो यहां से ये अपने पास एक वैल्यू आ गई एक्सेप्टेबल। अब तीसरा केस क्या बनेगा, जीरो से लेके फाइव बाय फोर तक। तो केस थ्री हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से लेकर फाइव बाय फोर तक। अब जीरो से लेके फाइव बाय फोर है तो कौन कौन से मॉड्यूलस ओपन होंगे प्लस साइन के साथ, सिर्फ अकेला ये दोनों मॉड्यूलस ओपन होंगे विथ अ माइनस साइन। तो ये आ गया एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस पांच। अब यहां से अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स इक्वल टू वन बाय टू। क्या वन बाय टू जीरो से लेकर फाइव बाय फोर के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। फिर चौथा केस क्या आ गया अपने पास, एक्स इज लेस देन शून्य। अब इस केस में सभी मॉड ओपन होंगे विद अ माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये आ गया फोर माइनस टू एक्स, तो टू एक्स इक्वल टू टू। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन। ये तो वैसे आना ही था जो पहले केस का आउटपुट आया था। तो क्या x इक्वल टू वन x लेस देन जीरो है? नहीं है, तो इसको भी अपन लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, या तो x की वैल्यू वन बाय टू है, या तो x इक्वल टू कितना आया था यहाँ पर, टू। दैट्स आर आंसर। क्लियर विद दिस? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।